एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो काम रहता है कि जो जो भी स्कूल की तैयारी करना, फिर हमारे नाश्ते की तैयारी करना, खाने की तैयारी करना, दोपहर की लंच की तैयारी करना, तो इतने सारे काम रहते हैं ना, तो सुबह सुबह मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी बिजी। तो अभी वही कर रही हूँ, अभी नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद बाहर के सारे काम करने हैं। बस नाश्ते में मैं बना रही हूँ इसके पराठे, बीटरूट पराठे, जो जो कि स्कूल के लिए एक्चुअली में बनाना था, तो उसका बनाने के बाद ये बच जाता है तो हम हमारे लिए भी बनाते हैं, तो बस इसके ही पराठे बनाऊंगी। और कल भी दिया था, आज भी दिया मैंने उसको, वो कल ही बोल के रखा था कि उसे आज भी चाहिए, तो उसे दे दिया। और जो बचा हुआ है बस यही हम बनाएंगे, और जो मेरे पास दूसरा आटा है मैं उसी से पराठे बनाने वाली हूँ, नॉर्मल वाले। तो अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद बाहर के सारे काम करके पूजा भी देना है। जिन्होंने भी मेरा केक फेस्ट चैनल नहीं देखा है ना, और जिन्होंने भी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी जाओ वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। केक फेस्ट चैनल पे आपको बहुत सारे नए यूनिक केक के डिज़ाइंस मिलेंगे और आइसिंग टेक्निक्स वगैरह मैं सब कुछ बताती हूँ वहाँ पे, तो जल्दी जाके वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ। चॉइसेस वगैरह में, इसलिए मैंने आधे घंटे पहले ही आ गई हूँ। और हमारे घर से नज़दीकी है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो चलो चल के देखते हैं कैसे झाड़ मिलते हैं। रोजेस है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स। तो यहाँ पे ना बहुत टाइप के प्लांट्स थे, शो प्लांट्स थे, फ्लावर प्लांट्स थे, और अलग ही डिज़ाइंस के पत्तों के शो प्लांट्स दिख रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, जो पापा कभी लाते ही नहीं है लगाने के लिए। और इनमें से ज़्यादातर प्लांट्स हमारे घर पे है, शो प्लांट्स, और कुछ ही प्लांट जो है मुझे थोड़े से नए लगे, तो शो प्लांट्स मैंने लिए नहीं, मैंने सिर्फ फ्लावर प्लांट्स ही लिए थे। और रोज़ ना सबसे पहले जाके ये रेड वाला मुझे पसंद आया था और येलो वाला, तो इस ये दोनों कलर के अलावा मुझे और कोई कलर अच्छा लग नहीं रहा था। वाइट कलर जो है, अभी गर्मी का टाइम है तो धूप के कारण वाइट कलर और ज़्यादा जल के ना
और लाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने वाइट कलर नहीं लिया, मैंने सिर्फ येलो और रेड ही लिया था। तो उस तरफ ना, रोड के उस तरफ उनका और एक शॉप है, शॉप नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में सारे झाड़ों को रखा जाता है, वहाँ पे उतना स्पेस है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे सारे झाड़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पे भी वही झाड़ी थे, बस गिनती यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो रोज़ेस की वैरायटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ मैं ना, मैंने रोज़ की सेंट ले रही थी, ये रेड वाले रोज़ में बिल्कुल भी सेंट नहीं था, जबकि येलो वाले रोज़ में बहुत अच्छी सेंट आ रही थी, माइल्ड एकदम था, बहुत अच्छा लग रहा था उसका सेंट। तो फिर हमने दो प्लांट्स ले लिए और चले गए हम, और एक उनका जो शॉप है वो मेन मार्केट में है, तो हम वहाँ पे गए थे देखने के लिए, लेना तो था नहीं, फिर भी हमने सोचा चलो कुछ नया मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी वही सेम झाड़ दिख रहे थे, कुछ अलग था नहीं। तो फिर हम वापस चले गए, और जोजो के स्कूल के छुट्टी होने का टाइम हो गया था, तो हम चले गए उसको लेने, फिर उसको स्कूल से लेके हम घर वापस आ गए। क्या करो, खुल दो, तुम्हें नहीं आता है? शाम को लगाएंगे। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ से कार से ना निकाल रहे थे दोनों प्लांट्स को, तो मैंने उनसे पूछा कि इन्हें कब लगाएंगे, आज शाम को ही लगा लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इन्हें एक दिन रहने दो हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्हें ढलने दो, उसके बाद हम लगाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कल शाम को लगाएंगे, इसीलिए मैंने आज शाम को लगाया है और व्लॉग को भी मैंने कम्प्लीट किया है। द नेक्स्ट डे, और आज मैं आ गई हूँ ये रोज़ के प्लांट को लगाने के लिए। तो एक रोज़ जो है ना येलो कलर का, ये यहाँ पे ही था, दूसरा जो है वो उस तरफ था, तो इसको जो है लेना भूल गए थे, इसलिए दोनों अलग अलग जगह पे रह गया। तो फिर इसे भी मैंने लेके रख दिया एक साइड पे, और यहाँ पे मैं पहले जगह सेटल नहीं कर पा रही थी कहाँ पर लगाना है, फिर मैंने दो सेकेंड रुकी और सोचा चलो एंट्री पॉइंट पर लगाते हैं तो अच्छा लगेगा, रोज़ की एक फ्लावर की एक वाइब आएगी। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला शो का प्लांट दिख रहे हो ना, ये बहुत दिनों का पुराना है और अच्छा भी नहीं दिखता है, पत्ते वगैरह जल गए हैं। तो फिर मैंने इसे उखाड़ा और इसे फेंक दिया बाहर, और ये क्योंकि ये ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, पप्पा ने इसे बहुत सारा लगा के रखा है घर में, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगी नहीं, और ख़राब भी दिख रहा था, अच्छा नहीं दिखता था यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ जंगली घास फूस थे उन्हें भी साफ़ किया, थोड़ा सा स्पेस बना लिया रोज़ प्लांट के लिए, और इस तरफ भी थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, ताकि वो रोज़ का प्लांट लगाने के बाद भी ना उसके जो आसपास में जो जगह है वो भी साफ़ सुथरा रहे, इसलिए ज़्यादा जो जंगली घास है वो थे नहीं, जितने भी थे मैंने उन्हें निकाल के फेंक दिए थे। और यहाँ पे भी कुछ झाड़ थे जंगली वाले, उन्हें भी फेंक दिए, और जो ये छोटे वाले झाड़ देख रहे हो ना, ये भी एक फ्लावर आता है इसमें, इसलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं किया, ये यहीं पे ही रहेंगे। अभी धूप का टाइम शुरू हो गया है, तो इनके भी खिलने का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, तो यहाँ पे मैं पहले रेड वाला जो फ्लावर है रोज़, उसके लगाने का बंदोबस्त कर रही हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद जो है ना इसके लिए जगह बन पाई, फिर भी नहीं बनी, बाद में जब मैंने इसे लगाया ना फिर भी नहीं बनी जगह, फिर भी ना मुझे और इसके लिए जगह बनाना पड़ा, क्योंकि इसका जो मिट्टी था ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ा भी था साइज़ में, निचले हिस्से में भी बड़ा था और चौड़ाई भी ना इसकी बड़ी थी, और मुझे बस यही डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए, बट टूटा नहीं, अच्छे से ही था। और जो शॉप वाले हैं उन्होंने भी बोल दिया था कि बहुत पुराना झाड़ है, इसको कुछ होगा नहीं, बहुत पुराना झाड़ है ये, जड़ जो है इसकी मजबूत हो चुकी थी और समझ में भी आ रहा था मुझे वो चीज़, तो इसके लिए ना जगह कम पड़ेगी, फिर से मुझे यहाँ पे जगह बनानी पड़ी, उसके बाद जाके इसके लिए जगह बनी और फिर जाके ना ये फिट आ गई। और बस मुझे मैं शुक्र मना रही थी कि ये अच्छे से बैठ गया यहाँ पे झाड़, और जो मैंने मिट्टी निकाली थी वो भी इसके आजू बाजू में मैंने दबा दिया अच्छे से, तो मिट्टी यहाँ पे कम ना पड़े, इसलिए जो भी मिट्टी मैंने वहाँ से निकाला था ना सारी मिट्टी इसके आजू बाजू में दे दी, और पूरा जो है मिट्टी फैला दिया मैंने। फिर मैं चली गई दूसरी तरफ जो येलो कलर का रोज़ है उसके लिए भी, तो यहाँ पे रोज प्लांट लगाने के बाद ना मैंने पापा को देखा है थोड़ा सा पानी छिड़क देते, मैंने भी पानी छिड़क दिया, और यहाँ पे आ गई वो येलो वाला रोज़ लगाना है उसके लिए जगह बनाने के लिए। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, मुझे अंदाज़ हो गया था कि कितना जगह चाहिए उसमें ही हो जाएगा, बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो येलो वाला रोज़ था ना यार, उसका ना
पॉलीथीन तो मैंने निकाला, बट वो ना मिट्टी क्या है पता नहीं टूट गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था उसे लगाने में, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, मुझे इतना डर लग रहा था ना किससे एडवाइस लूँ क्या करूँ, बहुत नर्वसनेस हो रही थी मुझे। फर्स्ट टाइम मैं झाड़ लगा रही हूँ, मैंने लाइफ में कभी झाड़ नहीं लगाया, लिटरली सच्ची बोल रही हूँ। इतने जो झाड़ देख रहे हो सब पप्पा लगाते, मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, इसलिए इनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है और देखती हूँ कितने दिनों तक रहते हैं ये, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो यहाँ पे ये लगा दिया और बस होप कर रही थी भगवान इन्हें बचा लेना और अच्छे से रख लेना इन्हें। मैं तो केयर करूँगी ही, आप भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ की जो मिट्टी थी इन्हें भी मैंने लगा दिया, फैला दिया अच्छे से, और फिर पानी यहाँ पे भी दे दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है ना गीली गीली थी, सुबह ही मैंने पानी दिया है, इसीलिए मग में थोड़ा थोड़ा पानी लेके हाथ से छिड़का रही हूँ ताकि ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पे पानी छिड़कने के बाद मैं थोड़ा सा आपको फ़ोटोशूट दिखा देती हूँ। तो गाइस व्लॉग को मैं अभी एंड कर रही हूँ, पता है मैं रात को ही एंडिंग करती हूँ, बट आज जो है ना मुझे अभी अपलोड करना है इस वीडियो को, मैं बस इसी चीज़ के लिए ही वेट कर रही थी। तो झाड़ू को लगाना हो गया है, अब मैं व्लॉग का कर देती हूँ एंड। जो गुलाब के झाड़ है मेरे, तो ये कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख सको। आई होप आपने हमारा फर्स्ट कोलैबोरेशन वाला वीडियो भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके देख लीजिए, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मैं ब्लॉग को कर देती हूँ एंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।